आज सावन की शिवरात्रि है। हर तरफ बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम की, जहां बड़े उत्साह के साथ शिवरात्रि मनाई जा रही है। यहां पर श्रद्धालु सुबह 4 बजे से भगवान शिव को गंगा जल चढ़ा रहे हैं और कांवड़िए गंगा जल लेकर मंदिर पहुँच रहे हैं। पहले जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने भी पंचगव्य, दुग्ध और गंगा जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया है और उसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा जल चढ़ाया है। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभिन्न व्यापकम ब्रह्मविदस्य रूपम इजम काशमासम। अद्य शिवरात्रि पक्षे भैरनाथ के साथ कहा गया है, शिव शंकर आदिदेव महाशिष शंभु उमाकांत हरिपुरारे अनेकों अनेक नाम है भगवान के और वैसे ही अनेकों अनेक भगत हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। श्रावण मास पंचम महीना है हिंदू परंपरा में और पंचमा हम पंच तत्वों से अपना उसको मानते हैं। भगवान भोलेनाथ के आज इतनी कावड़ी पहुंचे हैं गंगा जल लेकर, गौमुख से हैं, गंगोत्री से हैं और हरिद्वार घर की पौड़ी से हैं। पूरे भारतवर्ष में बड़ा भव्य रूप से मनाया जाता है शिवरात्रि का उत्सव और भोले के जो भगत हैं वो भी भोले हैं और त्यवाई देव महादेव भी भोले हैं, जो विजया भांग धतूरा छोटे पुष्प द्वारा ही प्रसन्न जाते हैं, खुश जाते हैं। यानी कि समभाव और सुंदरता का अगर देखा जाए तो भोलेनाथ में ही है। उनका पूरा परिवार देखेंगे तो भगवान शिव आदि स्वयं विराजमान है नंदी पर और माँ विराजमान है सिंह पर। आपसी मत भेद है, योनि योनि भेद है सिंह का और नंदी का, लेकिन वहां पर कैलाश पर सब एक है। गणेश जी बैठते हैं मूसक पर और भगवान के नगर में है नाग, उनका भी आपसी योनि वैर भाव है फिर भी वो एक हैं। और फिर कार्तिक स्वामी जी उठते हैं मयूर पर, मयूर का और सब पर भी प्यार है। मुसलमान की सब कुछ योनि भायर भाव होते हुए भी भगवान के दरबार में सभी एक है। भगवान कहते हैं कि आपके कितने भी विचार मत भेद हो लेकिन आप परिवार में एक रहें। वैसे तो भगवान शिव आदि अनादि शिव में पूरा ही विश्व हो रहा है और सावन का जमन है, उसके साथ साथ शिवरात्रि का महोत्सव है, उसके अंदर विशेष करके भगवान शंकर को गंगा जल का अभिषेक कर रहे हैं लोग बाग गौमुख से या द्वार से कावड़े लेकर के गंगा जल लेकर के आए हुए हैं और पूरे उत्साह के लिए सवेरे 4 बजे से रात को 12 बजे तक प्रोग्राम चलता रहेगा और उसके साथ साथ लोग बाग भजन कीर्तन करते हुए और गंगा जल चढ़ा रहे हैं और बड़ी ही उत्साह की रहे क्योंकि इतनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर की। क्या सवेरे पहले भी 4 बजे भगवान शंकर ने इंद्र देवता ने भी अभिषेक किया था, आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी के अंदर फिर इसने आज उसका बड़ा महत्व है और पूरा ही दिलचस्पी पूरा ही समाज और पूरी ही जनता एक शिवमय हो रही है, हर कण कण के अंदर वो जागृत है और सबसे बड़ा महीना है और शिवरात्रि का, इसलिए इसमें जितने भी उपासना मनन और चिंतन और अभिषेक करना का महत्व भगवान शंकर सबसे बेहतरीन। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी देखने को मिला। जी श्री वरुण सिंह ला पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा भिवानी के सभी मंदिरों पर कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए बनाए रखने के लिए शिवरात्रि ड्यूटी को लेकर ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी मंदिरों पर अच्छी तरह से ड्यूटियां की जा रही है, आरएसओ की टीम भी यहां पे ड्यूटी हमारे साथ कर रही है और सभी मंदिरों में अच्छे से ड्यूटी की जा रही है। आज हर कोई भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाकर देश में सुख और समृद्धि की कामना कर रहा है। हर तरफ हर मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।